एमआई जी टू क्वार्टर नंबर 104 से लगी नालियों में गंदे पानी की निकासी व्यवस्था नहीं होने से पानी एक ही स्थान पर एकत्र हो रहा है। ठहरे और गंदे पानी में मच्छर पनप रहे हैं, जिससे मच्छर जनित बीमारियों के फैलने का खतरा लगातार बना भी हुआ है। ऐसी स्थिति में लंबे वक्त से बनी हुई है, निकासी व्यवस्था दुरुस्त होने के उपरांत ही इस समस्या से निजात मिल सकता है। विशेषकर क्वार्टर नंबर 104 में निवासरत अग्रवाल परिवार गंदे पानी की निकासी नहीं होने से खासा परेशान है। इस संबंध में पूर्व नेता प्रतिपक्ष संजय दानी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, हुडको जब से बना है ना, हुडको बनने के बाद से लेके एमआईजी टू 104 नंबर है, ये अग्रवाल जी का घर है, ये अग्रवाल जी के घर, इसके घर के ठीक, और ये जब से ये हुडको बना तब से इनकी ये समस्या बनी हुई है। अब आप देख लीजिए, आपने प्रत्यक्ष दर्शन किया हुआ है, आपके समक्ष है, ये पानी इसी तरह जमवाड़ा रहता है। और सब आप जान रहे हैं, अभी पीलिया, डेंगू और बहुत सी गंभीर बीमारियों से हम खुद जूझ रहे हैं, और कई वर्षों से हम खुद इनको देखते हैं। और जब भी ये शिकायत करो, प्रवक्ता महोदय का वो अपना लाते हैं, एक तो सक्शन यूनिट निगम की आती है, निगम की सक्शन यूनिट उस पानी को खींच लेती है, उसके बाद चल देती, तो ये हमारी समस्या का समाधान नहीं। हमारा ये मांग है कि जब आपके पार्षद हैं, आज भिलाई नगर निगम में आपके विधायक जी हैं, आपके महापौर जी हैं, तो क्या उनके संज्ञान में ये सारी बातें लाया आपने? हैं, आप प्रवक्ता, आपकी जिम्मेदारी तय होती कि नहीं होती है? आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब मान लीजिए इससे कोई गंभीर बीमारी से जो कहीं पीड़ित हो जाएगा, कोई गंभीर घटना दुर्घटना शिकार, उसके लिए कौन जवाबदेह होगा? हैं, नगर निगम सिर्फ समाचार पत्रों के माध्यम से बयानबाजी करना और वास्तविकता से दूर होना, ये बहुत सारी अलग। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम महापौर जी से अनुरोध करते हैं कि इस गंभीर समस्या का हम निदान कराइए, ताकि यहाँ पर रहने वाले निराश्रित निवासरत लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके।